हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 के और वाले पार्ट में क्या है? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, यानी कि कुछ इस टाइप का एक सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो सपोज कर लो कि एक टेंजेंट हमारा ये है और दूसरा टेंजेंट हमारा ये है, तो इसके कहने का मतलब है कि ये दोनों टेंजेंट जो होंगे वो लेंथ में इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है, है ना, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसको सपोज कर लेते हैं पी, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी, है ना, ये आपका हो जाएगा बी। तो सिंपल फॉर्म में तुम्हें प्रूव क्या करना है, तो यहां पर लिख लेते हैं, गिवन तो तुम लिख रहे हो ना कि गिवन अ सर्कल, है ना, हैविंग सेंटर ओ, है ना, इसका सेंटर सपोज कर लेना कि ये इसका सेंटर है जिसका सेंटर हमें ओ दिया हुआ है, इसको ओए को तुम और ओबी को तुम ज्वाइन कर लोगे, है ना। तो सिंपल फॉर्म में लिख दोगे कि गिवन ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओए एंड ओबी आर रेडियस, ऐसा तुम लिख दोगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है दैट इज दोनों का लेंथ इक्वल है, यानी कि PA जो है वो इक्वल होगा किसके, PB के, किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, हालांकि ये सब पॉइंट मैं लिखता नहीं हूं बट मैं लिख देता हूं, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा कि ज्वाइन ओ टू पी, है ना, तो लिख दोगे क्या, ज्वाइन ज्वाइन ओ टू पी, है ना, ओ को पी से हमें ज्वाइन करना है एंड एंड ओ ए, ओ ए को हम लोग परपेंडिकुलर करेंगे किसके, एपी पे। हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे हमेशा कितना एंगल बनाता है, तो तुम बोलोगे सर वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये भी तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ठीक है। एंड एंड उसके साथ साथ ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी, है ना, तो ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी, ऐसा तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ऐसा तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या करना है बताओ, प्रूफ करना है, तो आ जाओ प्रूफ करते हैं, प्रूफ प्रूफ, है ना, किसमें चलोगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किसमें, पी ओ ए, इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ट्राइंगल पी ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ बी, देखो दोनों ट्राइंगल में चलना है, पी ओ ए और पी ओ बी में, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देना है और उसके बाद बाई सी पी सी टी, है ना, सी पी सी टी के बेसिस पे हम लोग बोल देंगे कि पी ए और पी बी जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। इतना सिंपल सा अभी हमारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे कि ओपी इक्वल्स टू ओपी, सबसे पहले हमें दिख रहा है तो ओपी इक्वल्स टू ओपी लिख दिया, कैसे होगा, तो ये हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, कॉमन देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ OA is equals to OB मिल रहा है तुम्हें, कैसे, तो दोनों के दोनों रेडियस हैं, दोनों के दोनों रेडियस हैं, है ना। उसके साथ साथ एंगल, एंगल OAP, है ना, और एंगल OBP, OBP दोनों के दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, दोनों के दोनों कितना होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो उस बेसिस पे तुम लिख सकते हो कि देयर फोर पी ओ ए, ये जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस तुम्हें देखने को मिलेगा किसके, पी ओ बी के, कैसे होगा, तो ये होगा बाई आर एच एस कॉन्ग्रुवेंसी मैथड, है ना, किसके, तो बाई आर एच एस, है ना, आर एच एस के बेसिस पे। सर आर एच एस कैसे लगा, जब एक एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो जाता है ना, तो उस केसेस में वो हो जाता है तुम्हारा आर एच एस वाला मैथड यूज होता है, आर से, है ना, आर हो गया, एच से हाइपोटेनस होगा, एच से साइड होगा, ठीक है, तो उस तरीके से आर से तुम्हारा राइट एंगल हो गया, ठीक है, तो उस तरीके से तुम यहां पर सिंपल फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर लिख दोगे क्या कि हेंस, हेंस, हेंस तुम लिख सकते हो क्या कि पीए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, पीबी के, और कैसे इक्वल होगा, तो तुम इसका आंसर लिख दोगे बाय सीपीसीटी, है ना, कॉन्ग्रुएंस पार्ट, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से तुम दे सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।